राजधानी देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस मामले में एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कल शाम को देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक महिला के शव के साथ दो बच्चों के शव को बरामद किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी हसीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के महिला के साथ संबंध थे, ऐसे में महिला आरोपी के साथ रहना चाहती थी, मगर आर्थिक तंगी होने की वजह से वह महिला को अपने पास नहीं रख पा रहा था। ऐसे में महिला प्रेमी के साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और इसी विवाद के दौरान आरोपी ने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी, साथ ही मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी, तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में, और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया, और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली, और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफी परेशान था। जिसमें जो मुजरिम का नाम इसमें हसीन आया जो रहने वाला नेटौर का ही है, और जब मृतिका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटनास्थल है वहां पर सुनसान रहता है, 7-7:30 बजे के बाद वहां कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, एक नाला है जहां पर बरसाती नाला है जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतिका को बहाने से उसका गला दबा दिया और साथ ही दो बच्चों का भी सोते में गला दबा के, और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, आए बाएं कूड़े में दबा दिया, साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर और ऊपर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण, और समस्त चीजों करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतिका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठा कर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया।